गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। और अब हम मास्टर्स भी कर रहे हैं यूके से एनिमल साइंस में ही। तो आज हम विब्रिक इंडिया के लॉरिक्सेन मेडिसिंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। इसका उपयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और साथ ही आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन की जानकारी हो। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस क्रीम की। तो इस क्रीम सबसे पहले हम कंपोजिशन देखते हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो इसमें आपका गामा बेंजेन, मैं आपको तोड़ तोड़ के बताती हूँ, गामा बेंजेन, हेक्साक्लोराइड, प्लोरीफ्लोरीन, हेमी सल्फेट, आपका सेट्रीमाइड आईपी मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके अब उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जनरली आपका घाव में होता है। कोई भी जानवर होते हैं ना, उनके घाव में आप देखना बहुत ही जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी सूखते नहीं है क्योंकि वो जनरली मतलब बाहर रहते हैं। ठीक है, तो सूखने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तो आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जल गया है, कट गया है, वो सारी जगह आप इस क्रीम का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ये घाव में आपका मक्खियाँ नहीं बैठने देगा, मैकोट्स को किल कर देगा और घाव में कीड़े भी नहीं पड़ने देता है और जल्दी से जल्दी उसको सूखने में भी हेल्प करता है। तो आप इसका क्रीम, इस क्रीम का जो यूज़ है ना, आप किसी भी घाव में या फिर जले कटे स्थान पे आप कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार के घाव में, चाहे सर्जरी हुई हो या फिर नॉर्मल घाव हो गया हो या फिर फूट एंड माउथ डिजीज हो गया हो, उसके घाव हो, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये सुखा देता है। अब इसका उपयोग जो है आप गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली सब में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको लगाते कैसे। तो इसको किसी भी घाव पे लगाने के लिए, देखिए अगर कोई नॉर्मल घाव है ना तो आप इसको नॉर्मली लगा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप उस जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा घाव है जिसपे आपका मेगोट्स या कीड़ा ये सब हो गया है तो उस जगह पे पहले आप उस जगह को अच्छे से सफाई कर दीजिए, उसके बाद आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना है दिन में 2 बार। ओके, और ये जो दवाई है ना, ये दवाई लगाने के बाद कोई भी मक्खियाँ या फिर कोई भी कीड़े जो है ना उस घाव पे नहीं बैठेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और जिस भी घाव में कीड़े हैं ना, उस वहाँ पे आप पहले सफाई करके उसके बाद लगाइए। अब हम बात करते हैं इसके दाम की। तो इसके दाम की बात करें हम अगर, तो ये जो है ना आपको जो 30 ml का जो पैक है ये आपको 50 रुपये में मिल जाएगा और जो आपका 100 ml का पैक जो है ना वो आपको 90 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, और ये मार्केट में आपको बहुत ही ईजिली अवेलेबल मिलेगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी। और हमसे किसी ने पूछा था एक्चुअली कि हमारी पढ़ाई को लेकर के, कि हम यहाँ पे कैसे पढ़ने के लिए आए हैं और कैसे, चूंकि हम स्कॉलरशिप होल्डर है यहाँ पे, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है, मतलब पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें रहती है यहाँ पे। बट मेरी छुट्टियाँ अभी जल्दी ही स्टार्ट होनी है, 1 वीक में मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद हम बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे और उनमें हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमने पढ़ाई कैसे की है, कहाँ से पहुँचे हैं यहाँ पे, कैसे हमने ढूंढा है, क्योंकि सब कुछ हमने खुद ही किया है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में अच्छे से बताएंगे और साथ ही हम आपको एनिमल साइंस के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने फार्म में बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।